खा 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 उल 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 भाई ये चेक करें, ये चेक करें कैसे खा रहे हैं ये। ले जी मुर्गे को नहलाना शुरू। क्या पानी ठंडा नहीं था वैसे? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज एक नए दिन का जो है वो आगाज़ शुरू हो गया है और आगाज़ हम भी अपने दिन का जो है वो कर लेते हैं। काफ़ी बेताब हो रहे हैं जी बाहर आने को, तो इनको बाहर निकाल लेते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी ये भूखे हैं, भूख लगी हुई है इनको। कुछ ना कुछ जो है अभी दाना शाना डालते हैं और चेक करें। माशाल्लाह सुबह सुबह बड़े ही प्यारे खूबसूरत लग रहे होते हैं। ओ नहीं, लड़ना नहीं, लड़ना नहीं भाई। रात का कुछ भी बचा हुआ होता है वो देखो, भूख कितनी लगी हुई, ऊपर छलांग लगा दिया। रात का कुछ भी बचा हुआ होता है हम रख लेते हैं और फिर हम इनको डाल देते हैं। खाओ भाई खाओ, पकौड़े शकौड़े खाओ खाओ खाओ। मुर्गा मेरी वजह से आगे नहीं आ रहा, मैं पीछे हट जाता हूँ। आ जा भाई आ जा। रोटी हम इनको रोज़ाना डालते हैं, रात को भिगो के रख देते हैं और सुबह जो है पानी उसका निकाल के दाना उसमें मिक्स करते हैं और फिर वो रोटी हम डेली बेसिस पे इनको खिला रहे हैं। थोड़ा सा दाना भी इनको डाल देते हैं। आ जाओ भाई शेरो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खाओ खाओ खाओ। अच्छा तो इनको ना प्यास लगी हुई है, पानी भी रखते थे इनके आगे, पानी नहीं रखा तो पानी बड़ा ज़रूरी होता है। सुबह सुबह जो है ये पानी लाजमी पीते हैं। आ जाओ पानी पियो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश, आ जाओ आ जाओ, पानी पियो पानी पियो। कुछ हमारे चूजों की जो है ना वो तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको हमने सेपरेट से बंद किया हुआ है। ये देखें बिल्कुल अलग से इनको बंद किया हुआ है। ये भी थोड़ा सा देखें डाउन हो गया हुआ है और नीचे जो है ना ये भी थोड़े से डाउन है, तो इस वजह से इनको अलग बंद किया हुआ है। अभी इनको भी बाहर निकाल लेते हैं। ले जी इनको भी बाहर निकाल लिया, देखें ये भी कितना सुस्त हुआ हुआ है और आँखें भी इसकी बंद हो गई हुई हैं। और ये वाले जो हैं थोड़े से बेहतर हैं, बट ये भी अभी जो है ना सिलसिला जो है ना इनका ख़राब चल रहा है। तो बेसिकली इनकी जो है ना वो डिवॉर्मिंग नहीं हुई हुई और वो हम आज करेंगे, उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा और वो भी लाजमी देखिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर लें, क्योंकि आपको ऐसी बहुत सी मज़ेदार वीडियोस मेरे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। इनके काम चेक करें, सारों के अंदर आ गए। हटो बेटा इनको बाहर निकालें। ओए अंदर क्या करने आ गए हो तुम सारे, हैं? बेसिकली बाहर जो है ना गर्मी आना शुरू हो गई है, तो इस वजह से जो है ना यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, अंदर नहीं जाना, चलो चलो यहाँ पे घुमा फिरा करो। ले जी तो इनकी जो रात की भीगी हुई रोटी है वो भी आ गई है, रोज़ाना रात को भिगो देते हैं और फिर इनको जो है हम सुबह खिला देते हैं। इसमें थोड़ा सा दाना मिक्स करके, आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा कि मैं किस तरह खिचड़ी बना के जो है ना इनको देता हूँ, तो बड़े शौक से खाते हैं और उस पर दाना भी कम लगता है, रात की बची हुई रोटी भी ज़ाया नहीं होती और इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। अच्छा इस वाले चूजे को देखें, पता नहीं इसको क्या हुआ है, कोई अगर भाई बताए तो ये घूमता रहता है बस। ये देखें इस तरह, ये हर टाइम जो है ना ये इस तरह घूमता रहेगा, गर्दन हिलाता रहेगा और ये देखें ये घूमता रहेगा। हमें समझ भी नहीं आ रही कि क्या सीन है, ये गर्दन हिलाता रहता है और इस तरह चक्कर लगाता रहता है और घूमता रहता है। अच्छा तो अभी जो है ना इन छोटी फौज को हम ओपन करेंगे, इनको थोड़ी देर के लिए बंद किया क्योंकि फिर ये इकट्ठे बंद नहीं होते, तो अभी इनको हम ओपन कर लेते हैं। अभी चेक करना ज़रा, ये देखें ये चेक करें कैसे आए। हाँ 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 हाँ, सीधा आगे वहाँ बाहर भाग गए। इधर आ जाओ, ये इधर आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा तो हमने घर में जो है ना ये देखें, घर में ही हमने सुंडियाँ तैयार की हुई थी ये देख रहे, और छोटे चूज़ों को जो है ना हम ये डाल देते हैं। तो अभी देखें हमने छोटे चूज़ों को डाली है और कितने ज़्यादा शौक़ से जो है ये खा रहे हैं। उसको भी खोल देते हैं। हफ्सा इसको भी खोल दो, हाँ इनको भी खोल दो और ये चेक करें। ओए हो ये चेक करें कैसे खा रहे हैं भाई सुंडियाँ सुंडियाँ। ओए 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 ओए, बस बस राम राम से यार, चेक करें सुंडियाँ कैसे खा रहे हैं ये। खोल दो खोल दो,
आ गई भी, आ गई, आ गया शेरू, आ गया। ओए ओए ओए, काम चेक करें इसके, हैं कैसे खाएगा, खा 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 खा। ओए 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 भाई, ये चेक करें, ये चेक करें कैसे खा रहे हैं ये। वो लड़ना नहीं, अच्छा अभी ना इन छोटे जो बीमार हैं चूहे, इनको भी छोड़ देते हैं नीचे। ओए होए होए होए, ये खुद ही छलांगे मार के पहुंच गए भाई वहां पे। ओए मत मारो, ये देखें भाई हम चुंडियां ही चुंडियां खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। आज इनकी बारबेक्यू पार्टी हो रही है, इसको देखें कैसे बैठ के धूप सेक रहा है आराम से और चुंडियों का मजा ले रहा है। अच्छा ये वाइब्रामाइसिन जो है, ये हमारे जो बीमार हैं चूजे उनको हम देंगे। उसका तरीकेकार ये होता है कि कैप्सूल आपने खोल लेना, कैप्सूल खोलने के बाद आपने इसको आधा जो है वो इतने से पानी में देखेंगे मिक्स करना। अब आधा जो है मिक्स करेंगे इसके अंदर, आधा मिक्स करने के बाद अब ये पेनाडोल सी एफ की गोली होती है, ये हमने आधी जो है ना इसमें पीस के जो है वो डाल देनी है। ये देखें ये पेनाडोल सी एफ की गोली है, इसको पीस लेना, इसको पीस के भी इसके अंदर डाल देना। और अब इसको जो है ना वो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ये। और ये जो हमारे बीमार जो है अभी नीचे हमने खोले हुए हैं, और जो ये शहजादा या शहजादी है तो इसको हम जो है वो ये पानी पिलाएंगे। मेडिकेशन के बगैर आप बर्ड्स नहीं रख सकते, आपको मेडिकेशन लाजमी करनी पड़ती है, उनकी इंजेक्शन्स लगाने पड़ते हैं और वैक्सीन टाइम के ऊपर होनी चाहिए, वरना ये सर्वाइव नहीं करते। और जब ऐसी हालत हो जाती है किसी बर्ड की तो बहुत ज़्यादा दुख होता है और नहीं अच्छा लग रहा होता बिल्कुल भी। हमारे बर्ड्स बीमार होते हैं या कुछ होता है तो हमें नहीं अच्छा लगता, तो ये केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अभी जो सुंडियाँ बना के डाली हुई हैं अभी तक देखें कितने शौक से खा रहे हैं, और काफ़ी सारी जो है ना इन लोगों ने खा पी के मौज उड़ा ली हुई है। और अभी इसके बाद ये पानी बना के इनका रख दिया है ताकि ये पानी जो है वो पिए और जो भी इनकी बीमारियां हैं सारी अंदर की वो दूर हों। हमने कहा थोड़ी सी दावत जो है ना वो हमारे बड़े मुर्गा मुर्गी भी थोड़ी सी दावत जो है वो उड़ा लें, तो इनको भी जो है वो छोड़ दिया अभी, तो देखते हैं कि ये भी खाते हैं कि नहीं। लो जी ये वाली जो सही दावा उड़ाना शुरू कर दी है, देखें कैसे खा रही है। ओहो हो मुर्गियाँ भी कैसे खा रही हैं। छत धोने का काम जो है वो स्टार्ट हो गया है, ये इस तरह इधर डालो नुकर में यहाँ पे ये पीछे हटो। ये देखें जी अच्छी तरह से हमने पूरी छत जो है वो धो दी है, और अब कोई भी ऐसी मिट्टी जरासीम या कोई भी ऐसी गंदगी जो है वो छत के ऊपर आपको नज़र नहीं आ रही होगी। ये बहुत ज़रूरी थी और ये हम हर हफ्ते जो है वो लाजमी करते हैं ताकि सफाई रहे और हमारे जो बर्ड्स हैं वो बीमारियों से बचे रहें। अभी ये शहजादे सारे बंद हैं क्योंकि अभी सारे ये फिनाइल से धोया हुआ है, तो अभी इनको खोल नहीं सकते, तो अभी तकरीबन एक घंटा धूप शूप लगेगी और फिर उसके बाद हम इनको दोबारा से खोलेंगे। अभी जो है वो नीचे आ गए हैं अपने असील मुर्गे के पास, और माशाल्लाह से ये रिकवर कर गया है। इसकी जो मुर्गी है वो तो एक्सपायर होगी भी जैसा कि आपको मैंने दिखाया था, बड़ी कोशिश की थी हमने इसको बचाने की बट वो बच नहीं सकी थी, इंजेक्शन भी लगाए हैं सुबह शाम बट वो नहीं बची, बट माशाल्लाह इसकी ज़िंदगी थी तो ये बच गया। आज हम इसको ऊपर ले जाएंगे और अभी हम तैयारी करेंगे इसको नहलाने की, इसको पहले नहलाएंगे ताकि डेटॉल से, ताकि इसके जो भी जरासीम इसमें बीमारी के अभी भी हैं ताकि वो दूर हो जाएं, और फिर शाम को इसको ऊपर लेके जाएंगे। ये देखें जी ये डेटॉल थोड़ा सा हम इसमें मिक्स करेंगे, मिक्स करो भाई इसको अच्छी तरह से। शैम्पू जो है वो भी डालेंगे थोड़ा सा, ये
ले जी मुर्गे को नहलाना शुरू। क्या पानी ठंडा नहीं था वैसे? पर उठाओ ऊपर को, बगलों में घुसा नीचे। मारे छिली हुई मुर्गी निकलेगी तो इसने अभी झाड़ के सब कुछ निकाल देना। तो जी माशाल्लाह से हमने अपना जो बर्ड है असील का बच्चा उसे नहला दिया और आज इसकी बारी है ऊपर ले जाने की इसको। तो इंशाल्लाह अभी जैसे ही ये सूख जाएगा तो इसको फिर ऊपर लेके जाएंगे। नहीं जी माशाल्लाह से जो अपना असील मुर्गा है उसको भी ऊपर ले आए। अभी धूप शूप जो है वो खींच जो है ना लगा रहे हैं इसको। और ये देखिए इसको अभी अंदर बंद कर दिया हमने। काले को जो है ना, काले को हमने बंद किया था इसके अंदर, बट उसने जो है ना मारना शुरू कर दिया था तो हमें इसको जो है अभी अंदर बंद करना पड़ा। देखें कितना वैशी हुआ है। इसको खोल नहीं सकते, अगर इसको खोलेंगे ना तो इसने भाई अटैक कर देना इसके ऊपर। ये क्योंकि अभी बच्चा है। और ये देखें अभी इसको नहला दिला के ऊपर लेके आए। ये फ्रेश हो गया बिल्कुल, इसका बस नहीं चल रहा। ये कह रहा है कि भाई छोड़ दो बस मुझे ना। तो यहाँ पे अभी इनको ऊपर रखेंगे और ऊपर ही जो है ना इसकी देखभाल करेंगे। भी पहले नीचे था जैसा कि आपको पता है, बट अभी हम इसको ऊपर ले आए हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।